तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सॉर्टिंग एक्सेल के अंदर में किस तरह से हम सॉर्टिंग करेंगे। आज की टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस पे। तो आपके सामने एक डेटा है जो दिख रहा होगा, मुझे सॉर्ट करना है। सबसे समझिए पहले कि सॉर्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। सॉर्टिंग की जरूरत पड़ती है कि एक सिक्वेंस में एक डेटा को अरेंज करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपके ऑफिस में किसी तरह का लिस्ट लगा हुआ है और उस लिस्ट में अपना नाम आपको ढूंढना है, तो अगर आपके नाम के हिसाब से या आपके एम्प्लॉय कोड के हिसाब से अगर सिक्वेंस है तो आप जाएंगे और उसको देख लेंगे क्या। तो मान लीजिए अगर रोल नंबर से है तो अपना रोल नंबर, अगर नाम से है तो अपने नाम का वर्ड देख लेंगे, लेकिन कोई सिक्वेंस ना हो तो पूरा लिस्ट देखना पड़ेगा ना। ऐसे आप नाम के लिए पहले से, आपका नाम अगर दीपक से है तो डी से स्टार्ट करेंगे, आप ए से स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई सिक्वेंस ना हो तो आपको ए से स्टार्ट करना। और भी चीज चीज जैसे मान लीजिए इसमें मुझे हाईएस्ट, मान लीजिए कि इसमें मुझे हाईएस्ट सेल चाहिए, तो उसके लिए आप इसमें कर्सर रखिए और यहाँ ए टू जेड, जेड टू ए पे क्लिक कर दीजिए। अब यहां से हाईएस्ट 5 चाहिए तो 5 को कॉपी, ऐसे आपको लोएस्ट चाहिए तो ए टू जेड पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका लोएस्ट हो जाएगा और यहाँ से लोएस्ट उठा लीजिए। तो इस तरह की चीजें के लिए भी हम यूज करते हैं सॉर्टिंग का। अब किसी एक रीजन के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, किसी एक के अकॉर्डिंग, मान लीजिए मुझे आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, मुझे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर कर्सर रखूंगा और यहाँ ए टू जेड कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखिए जब आप शॉर्टिंग कर रहे हो तो कहीं पे बीच में कोई ब्लैंक रो ना हो, अगर ब्लैंक रो होगा तो ये शॉर्टिंग इससे ऊपर ही होगा, इसके नीचे नहीं होगा, फिर आपको डेटा को सिलेक्ट करके फिर कस्टम शॉर्ट करना पड़ेगा। तो किसी एक के अकॉर्डिंग आप इस पर कर्सर रखेंगे और आप शॉर्ट कर देंगे। लेकिन क्या है कि मुझे इसके अंदर जो अभी शॉर्ट करने है, जी हाँ, मुझे इसके अंदर सेल्स, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है इसको भी सॉर्ट करना है, क्योंकि ये है इसके अकॉर्डिंग, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है इसके अकॉर्डिंग है इसको सॉर्ट करना है। हम क्या करेंगे, यहां कस्टम शॉर्ट पे आएंगे। कस्टम शॉर्ट, और यहां से जो प्रोडक्ट सिलेक्ट है एक और एड लेबल करेंगे और यहां पे मैं सिलेक्ट करेंगे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड ओके करते हैं। देखिए आपका शॉर्ट, तो इस तरह से एक और एक से ज्यादा की तरफ आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तो बेसिक शॉर्ट है, तो जनरली आप लोगों को आता ही होगा। चलिए हम इससे आगे आपको बढ़ाते हैं। हम यहां पर देते हैं मंथ, मंथ में मैं यहां पे मंथ जैन फैब कर दिया। अब मैं मंथ के अकॉर्डिंग अगर शॉर्ट करूंगा तो क्या होगा कि अप्रैल पहले आएगा, फिर अगस्त आएगा। मैं चाहता हूं कि कैलेंडर ईयर की तरह चले, मैं चाहता हूं कि कैलेंडर ईयर तक की तरह चले, कि पहले जैन आए फिर फैब आए उसके बाद बाकी आए। तो कैलेंडर ईयर के लिए आपको कस्टम शॉर्ट पे जाना पड़ेगा और यहां A to Z और Z to A की जगह पे आप अपना कस्टम लिस्ट को सिलेक्ट कर लें और फिर इसमें आप Jan to Feb को सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कर दीजिए। यहां आपका आ गया। अब यहां पे एक चीज और है, यहां पे एक चीज और है आपका,
कि मुझे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो ये जो लिस्ट में जो आपने सिलेक्ट किया था वहां पे आप अपनी लिस्ट बना भी सकते हैं। जी हाँ, कस्टम सॉर्ट में मैं आता हूं और यहाँ अप्रैल में यहाँ पे आता हूँ न्यू लिस्ट में। अब मैं अपने हिसाब से मंथ बना देता हूँ, मंथ ही नहीं कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने बोला कि पहले अप्रैल आना चाहिए, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ पे जनवरी देखते हैं, फरवरी। इस तरह से हमने अपना सीक्वेंस ऐड कर लिया और इसको ऐड करता हूं एंड देन ओके एंड ओके। देखा, आपका अप्रैल आया और अप्रैल के बाद नहीं आया। तो ऐसे इस मंथ का ही नहीं, आप किसी भी लिस्ट का अपना सॉर्टिंग लिस्ट जो है, सॉर्टिंग का जो ये है मतलब शॉर्ट का जो आपका सीक्वेंस है वो सीक्वेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट हो गया। अब बात होती है कि जैसे मान लीजिए हमने शॉर्ट में कुछ कहीं कहीं पे कुछ कलर कर दिए, हमने चेक करते समय हमें कुछ गलत लगा या मुझे इसको हाईलाइट करना था तो हमने इसको हाईलाइट कर दिया। अब मुझे, मैंने जो हाईलाइट करना है उसको मुझे एक जगह पे चाहिए, तो हम यहाँ कस्टम शॉर्ट में आएंगे और यहाँ रेवेन्यू एस्टिमेटेड पे आएंगे और यहाँ पे सेल कलर पे आएंगे। फिर जितने भी कलर होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, अब जो कलर करना है उस कलर को आप सिलेक्ट कीजिए। अब ऑन द टॉप या ऑन द बॉटम होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड ओके कर दीजिए, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। यही था, यह आपने आइकन लगा रखा होगा इसी कंडीशन फॉर्मेटिंग में, आपने यहाँ पे आइकन दे दिया होगा। अब मुझे जो ऑपरेबल आइकन सबसे टॉप पे रखना है, तो यहाँ पे कस्टम शॉर्ट में आया और कस्टम शॉर्ट में मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू और यहाँ पे सिलेक्ट किया कंडीशन फॉर्मेटिंग आइकन और यहाँ पे हमने अपना आइकन सिलेक्ट कर लिया एंड ओके कर दिया। ये देखिए टॉप वाली आइकन हमेशा ऊपर आ गई, उसके बाद मिडल आया और उसके बाद बॉटम आया, मिक्स होगा। तो आप यहाँ पे अपना इसके अकॉर्डिंग भी सॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा, कभी कभी सॉर्ट करते हैं तो कुछ लेटर आपके अपर केस, कुछ लेटर आपके लोअर केस में होता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर रीजन के अकॉर्डिंग सॉर्ट करूंगा और यहाँ पे सेल वैल्यू, तो कुछ रीजन अपर केस में होंगे, कुछ रीजन लोअर केस में होंगे। तो आप यहाँ ऑप्शन में आके यहाँ पे कर सकते हैं केस सेंसिटिव। अगर आपने केस सेंसिटिव कर दिया तो क्या होगा, अपर अपर को एक जगह पे डाल देगा और लोअर को एक जगह पे, दोनों को इकट्ठा कर देगा, माने कि अलग अलग मतलब की नहीं रखेगा, मिक्स नहीं रखेगा, एक जगह इकट्ठा कर देगा। यहाँ पर कस्टम शॉर्ट होता है। उसी चीज कभी भी जब शॉर्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे आ जाएगा आपको एबीसीडी। एबीसीडी क्यों आता है, क्योंकि मैं माई डेटा है जो हिडर पे क्लिक नहीं होता, इसलिए अगर क्लिक कर देंगे तो फिर आपके यहाँ पे कॉलम्स आ जाएंगे। दूसरा कि मान लीजिए आपने एरिया सिलेक्ट करके जैसे शॉर्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा, ये देखिए कि एक्सपेंस सिलेक्शन है, कंटिन्यू सिलेक्शन। क्या हुआ कि आपके एक्सेल ने इसने एनालाइज किया कि आपने देखा किया है छोटा सा एरिया किया है जो कि सिलेक्शन शॉर्ट होने पे गलत हो जाएगा, तो आपको पूरा का पूरा एरिया मैंने कि एक्सपेंड कर देना सिलेक्शन। तो जैसे जैसे शॉर्ट पे क्लिक करेंगे वो पूरा एरिया सिलेक्ट कर,
आप कंटिन्यू करेंगे तो जितना एरिया सिलेक्टेड है उसी पे ही आपका चलेगा। ओके ठीक है सर। अब हमने टॉप टू बॉटम करते हैं, हमारे पास यहाँ लेफ्ट टू राइट का भी ऑप्शन है। जैसे कि हम यहाँ पे एक छोटा सा डेटा बनाते हैं, हमने इसको सिलेक्ट किया और जब भी लेफ्ट टू राइट कीजिएगा, ये हेडिंग सिलेक्ट मत कीजिएगा, उसको भी शॉर्ट कर दीजिएगा। ऑप्शन में आप यहां पे शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, जी हाँ, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट को सिलेक्ट कर लीजिए एंड ओके। और यहां पे मैंने रो वाइज किया, ओके कर दिया, तो मेरा रो वाइज देखिए शॉर्टिंग, ठीक है सर, रो वाइज शॉर्टिंग होंगे जी। इस तरह से सॉर्टिंग हम कर सकते हैं। अब बात आती है एडवांस सॉर्टिंग ट्रिक्स की, मतलब कि एडवांस सॉर्टिंग ट्रिक्स की। अब प्रॉब्लम है कि अभी दो लोग आपके साथ नहीं है, मैं आपको एक एक एग्जांपल बताता हूं, बाकी एग्जांपल आपको कल बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी वीडियो से देख पाएंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे हर एक कॉलम के नीचे एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है, हर एक कॉलम के नीचे एक हर एक रो के नीचे एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है, तो मैनुअली करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, इसको सॉर्टिंग से कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक सीरियल नंबर यहाँ पे लिखेंगे और उसको ड्रैग कर देते हैं, और उसी सीरियल नंबर को हम कॉपी करते हैं और उसके नीचे पेस्ट करते हैं। तब यहां देखिए क्या है कि जो वन है इसमें हमारा डेटा है और नीचे वाला वन हमारा ब्लैंक है। अगर मैं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करूंगा तो ये पूरा का पूरा रो उठ के हो गया ना, एक डेटा और एक ब्लैंक। तो इसी मेथड को हम यहाँ फॉलो करेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं सॉर्ट ए टू, यहाँ पे ए टू जेड कर दिया हमने, आ गया, और फिर सेल नंबर को डिलीट कर दीजिए। अब मान लीजिए बीच का ब्लैंक मुझे डिलीट करना है, बहुत सारे लोग फिल्टर करके डिलीट करते हैं, लेकिन फिल्टर करने से अच्छा है कि आप सॉर्ट करें, क्योंकि फिल्टर करते समय कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, पीछे का डेटा डिलीट होने का चांसेस होता है और बहुत हैंग होता है, मूवमेंट होती है, तो दिक्कत होता है। तो यहां हम कस्टम सॉर्ट में आते हैं और यहाँ किसी एक के ऊपर से कस्टमर ले लिया, कस्टमर के अकॉर्डिंग हम ओके कर देते हैं, ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा, हो गया सर। जी सर, तो ऐसे तरीके के बारे में हम आपको कल की क्लास में समझाएंगे। ठीक है सर, और कोई डाउट या क्वेश्चन है? एक कल जो आपने फील वाला बताया था उसमें एक मेरे को क्वेश्चन है, अगर डेट और टाइम हम एक सेल में लिखते हैं, उसमें डेट तो आपका फुल फ्लैश फील हो जा रहा था बट टाइम नहीं हो पा रहा था। देखिए मैंने यहाँ पे डेट एंड टाइम यहाँ पे नाउ के साथ लिखा, डेट एंड टाइम दिख रहा था या फिर नहीं, सिर्फ डेट डेट देख रही थी मैंने सेल में, इसलिए ना उसके पहले आप इस तरह के फॉर्मेट पे चेंज कीजिए, जो दिखेगा वही जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए और जो मैंने कल दिया था एग्जांपल वो बना के भेजिए। ठीक है, आज मैं आगे और पढ़ा था लेकिन वो लोग नहीं है, क्योंकि आया टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए मैं आज धन्य देता हूँ। ठीक है।